प्लेऑफ में पहुंची केकेआर, बुमराह बने टॉप विकेट टेकर, आज बाहर हो सकती है आरसीबी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में लीग स्टेज के 60 मैच हो चुके हैं। शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। इस नतीजे से केकेआर ने प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया। वहीं पहले से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस 9वीं बार हार से 9वें नंबर पर पहुंच गई। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बारिश के कारण मैच 16-16 ओवर का किया गया। केकेआर ने 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। मुंबई 8 विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी। पहले से टॉप पर मौजूदा केकेआर के 12 मैचों में से 19 जीत और 3 हार से 18 पॉइंट्स हो गए। इसी के साथ टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी। प्लेऑफ से बाहर हो चुके मुंबई इंडियंस की 13 मैचों में 9वीं हार रही। टीम महज 4 जीत से 8 पॉइंट्स लेकर 9वें नंबर पर ही बरकरार है। 17वें सीजन में आज 2 मैच खेले जाएंगे। चेन्नई में सीएसके और आरआर के बीच दोपहर 3:30 बजे से पहला मैच खेला जाएगा। राजस्थान के 11 मैचों में 8 जीत और 3 हार से 16 पॉइंट्स हैं। टीम को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए महज 1 जीत चाहिए। हारने पर भी टीम दूसरे नंबर पर ही रहेगी। चेन्नई के 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार से 12 पॉइंट्स हैं। टीम चौथे नंबर पर है। आज राजस्थान को हराकर सीएसके तीसरे नंबर पर पहुंच सकती है। हारने पर टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर सीएसके का 1 ही मुकाबला बचेगा और उसे जीतने के बावजूद टीम को फिर बाकी नतीजों पर निर्भर रहना होगा। रविवार का दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु में खेला जाएगा। आरसीबी के 12 मैचों में 5 जीत और 7 हार से 10 पॉइंट्स हैं। टीम फिलहाल 7वें नंबर पर है। दिल्ली को हराकर टीम 12 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर भी पहुंच सकती है, लेकिन मैच हारने पर टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स के 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार से 12 पॉइंट्स हैं। टीम 5वें नंबर पर है और बेंगलुरु को हराकर 14 पॉइंट्स के साथ 4थे नंबर पर पहुंच जाएगी। हारने पर टीम 5वें नंबर पर ही रहेगी, लेकिन फिर उन्हें प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी टीमों के भरोसे रहना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह ने कोलकाता के खिलाफ 2 विकेट लिए। इसी के साथ वो टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर बन गए। उनके नाम 13 मैचों में 20 विकेट है। बुमराह ने पंजाब के हर्षल पटेल को पीछे छोड़ा। हर्षल के भी 20 ही विकेट है, लेकिन इकोनॉमी ज्यादा होने के कारण वो दूसरे नंबर पर हैं। टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर में शनिवार के मैच के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। आरसीबी के विराट कोहली 634 रन बनाकर पहले नंबर पर है। आज वो 66 रन बनाकर टूर्नामेंट में 700 रन बनाने वाले पहले प्लेयर बन सकते हैं। केकेआर के सुनील नरेन मुंबई के खिलाफ खाता भी नहीं खोल सके, इसलिए टॉप 6 हिटर में वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। उनके नाम 12 मैचों में 32 सिक्स हैं। एसआरएच के अभिषेक शर्मा 35 छक्के लगाकर पहले नंबर पर हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चौके एसआरएच के ट्रेविस हेड ने लगाए हैं। उनके नाम 11 मैचों में 61 चौके हैं। केकेआर ने फिल सॉल्ट 12 मैचों में 50 चौके लगाकर 4थे नंबर पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।